आज जब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी पहले महिला सांसदों को बोलने का मौका दिया। इसी क्रम में अपनी बारी आने पर बीजेपी सांसद सोनल मान सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशनल, आपके संग मैं रूपाली सिंह। प्रसिद्ध नृत्यांगना और बीजेपी की राज्यसभा सांसद सोनल मान सिंह ने आज संसद में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसने तय किया तो दो जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि आखिर हम समाज में हर स्तर पर बराबरी की मांग करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए। सोनल मान सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दो जर्मन महिलाओं ने शुरू किया, आज मैं सदन के पटल से यह मांग रखती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। इस पर जब सदन ठहाकों से गूंजने लगा तो वो बोली, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं। उन्होंने आगे महिलाओं से समाज की अपेक्षाओं पर जबरदस्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि औरतों से मांग शीर्षक से किसी ने लिखा है, महिला होना काफी कठिन है, उसे पुरुषों की तरह सोचने, महिलाओं की तरह व्यवहार करने, दिव्य सुंदर दिखने और घोड़ों की तरह काम करने की अपेक्षाएं की जाती हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, कल मेरा एक कार्यक्रम था स्त्री और ये नाट्य कथा 2 घंटे तक की थी। उसमें मैंने कहा, आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से वंचित हूँ। जब हम अपने देश में महिला और पुरुष को बराबरी का हक देने की मांग रखते हैं तो जब सांसद में सोनल मान सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग की तो आखिर उन्हें हास्य का पात्र क्यों बना दिया गया। आप इस न्यूज के बारे में क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।